हाँ शूट में हूँ, शूट में, शूट में, शूट में हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आईटी जेई प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी स्टूडियोज एसके फिलोसिटी। सबसे बेहतरीन चैनल क्यों बोल रहा हूँ वो आपको टीम देखकर ही समझ में आ जाएगा, बिकॉज शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जहां पर कि इतनी स्ट्रांग टीम, इतनी एक्सपीरियंस टीम अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रही हो। सिर्फ एक ही चैनल है, अनअकैडमी स्टूडियोज एसके फेलोसिटी, जहां पर कि आपको इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि कोटा से है, वो आप लोगों को आईटी जेई का लेक्चर, आईटी जेई का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, और वो भी एज पर कोटा कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है ना? जी हाँ, जिस तरीके से हम लोग कोटा में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम लोग अनअकैडमी स्टूडियोज एसके फेलोसिटी पर भी आप लोगों को रेगुलरली अपने अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। रेगुलर मैंने एक वर्ड बोला, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर शेड्यूल से रिलेटेड है। तो जैसे अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं, तो मेरा जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग में 8 to 9 और इवनिंग में 5 to 6, ये दो शेड्यूल में आई विल बी डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना? जो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे वो काम कैसे मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे मिलने वाले हैं, और दोनों ही स्लॉट्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा नहीं। यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी अच्छी सी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? बहुत अच्छी अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। किसके ऊपर बेस? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर बेस, और उसके अलावा भी सोल्यूशन वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बेस। लास्ट लेक्चर ही मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर था, तो उसी के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, वो वाली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा कुछ नई प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अपने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी अपकमिंग स्पेशल क्लास के बारे में बता देता हूं, जो कि होने जा रही है किस पर, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि आप आईटी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी एक तरीके से ऑफलाइन तरीके से। ठीक है ना? जैसे ऑफलाइन के अंदर आप लोग प्रिपरेशन करते हो, वही सारी की सारी फी आप लोगों को मिल रही है कहां पर, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखी है प्लस क्लास, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही अनोखा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है ना? काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जिसको कई सारे टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका टाइम शेड्यूल नोट करें, ये होने जा रही है फ्राइडे को, फ्राइडे मतलब कि 16 अगस्त को, और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा इवनिंग में 4 to 5, 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर ही हम लोग ओलियम और उसकी लेबलिंग से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? और ये क्लास अटेंड करने के लिए कोई पे आपको नहीं करना है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के लिए क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो अनअकैडमी प्लस पर जाइए, ये क्लास सर्च करिए, और उसके बाद में इसके ऊपर जाकर रजिस्टर कर दीजिए, और इस टाइम पर जाकर क्लास को अटेंड करिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, बिकॉज इससे दो फायदे आपको होंगे। पहली बात तो ये जो टॉपिक है वो एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा, जेई तक आप इसको भूलेंगे नहीं, और दूसरी चीज आपको अनअकैडमी प्लस एक्सपीरियंस करने का चांस मिलेगा, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो इस टाइप के मौके अपने को छोड़ने नहीं चाहिए। तो जरूर से जरूर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जाकर ये कोर्स को रजिस्टर करें। इसके अलावा भी मेरा एक कोर्स अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ड्रॉपर्स के लिए बैच है, जिसके अंदर हम लोग 13th वाले बच्चे, जो कि 12th क्लास पास बच्चे होते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। एक चैप्टर वहां पर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो जो बच्चे अभी 13th में है और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी तक नहीं किए, तो उनसे मैं बोलूंगा कि स्टार्ट कर दो, अपने को जेई 2020 देना है, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है? जल्दी मैं 11th का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, विद इन दिस मंथ वो 11th का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो भी मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों कोर्सेज हैं वो मिलेंगे आपको अनअकैडमी प्लस पर।
ठीक है। इसी टाइप से और भी कई सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे, जिन सबके लिए आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करने के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप मेरे कोर्सेज, पीएमएस सर के कोर्सेज, मनोज चौहान सर के कोर्सेज, सभी के कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं और सारे के सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा बेनिफिट है क्या, टेस्ट सीरीज। ठीक है, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो हमको कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग अपनी नॉलेज को कितना मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग जितनी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई करी है उसके बेसिस पर कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये बात पीरियडिकली पता लगते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तभी जाकर हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आपको अनअकैडमी प्लस में एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। और ऐसा नहीं, इसके लिए भी कोई अलग से चार्जेस हैं, जो सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी प्लस का लेते हो उसी के अंदर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का चांस मिल जाता है। ठीक है, तो कई सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के, लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी जो उसकी सब्सक्रिप्शन फी है बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। जैसे अगर मैं 11th क्लास के बच्चे के लिए बात करूँ जिनको 2 साल प्रिपेयर करना है, तो ये 2 ईयर का जो प्लान है उसकी फी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, ओनली ₹40,000। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन, वो भी कोटा लेवल की, वो भी 2 साल तक के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितने में, ₹40,000 में। और अगर इसमें भी मेरा ये कोड यूज कर लो आप लोग, तो मेरी तरफ से आपको इंस्टेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा ऑफ 10%, और ये फी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, ₹36,000। 40,000 भी नहीं, अब कितनी, 36,000 रह जाएगी। इसी टाइप से जो बच्चे अभी 12th में या 13th में हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ये 1 ईयर वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, ओनली ₹25,000। ठीक है ना, और इसमें भी सेम बेनिफिट मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा कि अगर आप ये बीजे लाइव कोड यूज करते हैं, बीजे लाइव कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और ये फी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितने की, ₹22,500 की। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इससे रीजनेबल प्राइस में आपको और कहीं पर भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन, इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुरंत इवन अभी के अभी प्लस को ज्वाइन करें, और जब भी ज्वाइन करें तो मेरा एक कोड यूज करना ना भूलें, जो क्या है, बीजे लाइव। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपनी आज की स्पेशल क्लास की तरफ, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं लास्ट क्लास के बारे में बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पहली बात तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराए थे, ठीक है ना, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराए थे, अच्छे अच्छे मतलब जिनमें प्रेसिपिटेशन वगैरह भी हो रहा था, इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी। और उसके अलावा फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, एक ये टॉपिक भी डिस्कस किया था, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व करी थी, और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको एज होमवर्क दी थी। तो पहले तो वो होमवर्क वाली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में फिर आगे कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। तो उनमें से पहली प्रॉब्लम यही थी, 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2, जिसका डेंसिटी अपने को दिया हुआ है ग्राम पर ml में, और इसके लिए उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा, आंसर निकाल ही लिया होगा, और अगर आंसर नहीं निकला है तो ये जरूर देखना कि कहां पर आप लोगों ने मिस्टेक की है। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, एक रिलेशन होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट, 11.2 इनटू मोलैरिटी, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। तो करना आपको क्या है कि सिर्फ मोलैरिटी निकाल लेना है, और उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो अपने आप निकल आएगा। अपने आप कैसे निकल आएगा, इस रिलेशन से निकल आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देना है बस किसमें, मोलैरिटी में। और ऐसे क्वेश्चंस की कई सारी प्रैक्टिस में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, जहां पर एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्या करते हैं उसके लिए, जो दिया हुआ है, ये मोलैलिटी मुझे दिया हुआ है, तो इस दिए हुए कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या करें, इसको हम लोग लिखते हैं कि इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मतलब होना चाहिए। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो 2 मोलल अगर है तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे कितने के अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, तो 1 kg ऑफ वाटर में रहे होंगे। ये 2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा कितने में, 1 kg ऑफ वाटर में। अब मुझे पहले क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, कैपिटल एम निकालना है। तो कैपिटल एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो आ गया मेरे पास में कितना, 2 मोल्स, और साथ में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मेरे पास में क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम लोग क्या करें, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है ना, वो निकालने के लिए क्या करें, हम लोग 2 मोल्स सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है, H2O2 है, तो 2 मोल्स ऑफ H2O2 का मास निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा मोल्स तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास होता है 34 ग्राम पर मोल, तो ये निकल कर आएगा कितना, 68 ग्राम्स। इसी टाइप से वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने पास में कितना, 1 kg, तो अगर इन दोनों से मैं निकालूं वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इट विल बी 68 एंड प्लस 1000, मतलब कि कितना, 1068 ग्राम्स। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नाउ क्या निकाला जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्यों, बिकॉज अपने को डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, मास अपॉन डेंसिटी करनी है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1068 अपॉन में डेंसिटी कितनी है, 1.068, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 ml, और ये अगर 1000 ml है तो अब मोलैरिटी तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है। मोलैरिटी निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने हैं, 2 हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, 1000 ml, और 1000 ml का मतलब कितना, 1 लीटर, तो ये आ जाएगी कितनी, 2 मोलर। और अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है यूजिंग दिस रिलेशन, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 11.2 इनटू मोलैरिटी दैट इज 2, और ये आ जाएगा 22.4 V, ठीक है। सो अपने को मोलैरिटी दिया हुआ था और उससे हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला, लेकिन एक चैनलाइज तरीके से चलेंगे तभी जाकर सिंपली निकल पाएगा कि मोलैरिटी से पहले मोलैरिटी निकालो और उसके बाद फिर उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो। आई होप आप लोगों से अगर क्वेश्चन नहीं बना तो अपनी एरर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, और जिन लोगों से बन गया उनको बधाइयां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था उसको भी डिस्कस करते हैं, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज मतलब कि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इज इनकरेक्ट फॉर 17 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें H2O2 का 17 ग्राम पर लीटर है। पहली बात तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डेंसिटी नहीं है। ग्राम पर लीटर देखते ही आप आइडिया लगा लो कि ये डेंसिटी है, बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं है, ये कंसंट्रेशन ही दे रखी है। कौन सी यूनिट में, ग्राम पर लीटर में। तो इसको अगर मुझे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मोल पर लीटर में, मतलब लीटर तो अपनी जगह पर, बस ग्राम को मोल में कन्वर्ट, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिखा रखा है आपको क्या, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे। तो मोल पर लीटर मतलब कि क्या, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 17 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास 34, तो ये आ जाएगा कितना, 0.5 मोल पर लीटर। ये बात तो सभी के समझ में आ गई। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसने पूछा है, मोलैरिटी एक बार आ गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी मोलैरिटी इनटू 11.2, तो 11.2 और इनटू में कितना, 0.5, तो ये आ जाता है कितना, 5.6, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो कैसा हो गया अपना, करेक्ट हो गया। उसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5 है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5, ये भी आ गया, और अब तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मोलैरिटी के उसने 2 ऑप्शन दे रखे, 0.5 और 1 2 मोलर दे रखा है। अगर ये 0.5 आ गया है तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब अपने लिए आंसर जो है वो कौन सा है, डी ऑप्शन है, ओके तो इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन बेस्ड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अपने को करना क्या है, बस सिस्टमैटिकली चलना है। और एक और चीज है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ देकर आपसे क्या कर सकता है, वो
कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें अपने को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा रिलेटेड होता है किससे, मोलैरिटी से। तो अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो पहले उससे क्या निकाल लो, मोलैरिटी, और एक बार मोलैरिटी आने के बाद तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाला जा सकता है। इसी का उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि आपको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दिया हो सकता है, जैसे मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी से पहले क्या निकाल लो, मोलैरिटी, और फिर ये रिलेशन यूज करके क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लें, ठीक है ना। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे बेस्ड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यहां तक अपना होमवर्क तो फिनिश हो गया, अब करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, जिसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा है आपसे, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन 2 liters ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास दे रखा है 40, 1 molar उसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है, बाय डाइल्यूटिंग अ सोल्यूशन containing 0.2 gram, this is 0.2 gram, 0.2 grams of NaOH in 100 ml of solutions, okay, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 2 लीटर 1 मोलर है, मतलब ये अपना ओरिजिनल सोल्यूशन है, डाइल्यूशन का केस है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब दो सोल्यूशन होते हैं, एक तो ओरिजिनल सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन, और एक होता है क्या, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है ना। और हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें, डाइल्यूट के अंदर, ओके। तो होता क्या है, मैंने आपको डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था, और डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में क्या चीज समझाई थी कि जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट को ऐड करने से सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाता है और सोल्यूशन का अमाउंट भी बढ़ जाता है, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट कैसा बना रहता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो अगर सॉल्वेंट बढ़ेगा, सोल्यूशन भी बढ़ेगा और सॉल्वेंट कांस्टेंट रहेगा, तो ईच कंसंट्रेशन टर्म, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। अब उसने मुझे क्या कर रखा है, एक कंसंट्रेशन दे रखी है, किस वाले की दे रखी है, इज इट पॉसिबल टू ऑप्टेन, ये ऑप्टेन सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 molar है, डाइल्यूट की कंसंट्रेशन 1 molar उसने दे रखी है, और जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, ओरिजिनल सोल्यूशन उसमें क्या है, 0.2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml में। तो मैं क्या करूं, इसकी मोलैरिटी निकाल लेता हूं, इसकी मोलैरिटी कैसे निकलेगी, 0.2 ग्राम है 100 ml में, तो 0.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 1000, कई सारे डिवाइड किए हमने, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अगर हो गया तो 2/40, और ये कितना आ जा रहा है 1/20 मोलर आ जा रहा है, ठीक है। ये M1 की वैल्यू होती है और ये M2 की वैल्यू है, अपने को पता है कि सिंस हमेशा M1 ग्रेटर होता है किससे, M2 से, कब, जब डाइल्यूशन किया जाए, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, M1 लेसर आ रहा है और M2 ग्रेटर आ रहा है। और अगर ऐसा है मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यस नहीं होगा, क्या होगा, नो रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा बड़ा बड़ा NO, मतलब कि नो, गॉट इट। तो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, अपने को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को भी आंसर करना आना चाहिए, और वो तभी होगा जब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये देखो बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके अंदर कुछ कैलकुलेट अपने को तब कर पाना था जब अपने को कॉन्सेप्ट पता हो। और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो कई बच्चों के दिमाग की बत्ती खुली होगी कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल तो अभी तक करके देखे, लेकिन इस टाइप के बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं किए। तो ये भी आप लोगों को मिला कहां पर, अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं आपको कहां पर, अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी। तो जब आप प्लस की क्लास देखोगे तो वो तो देख कर ही समझ में आएगा कि वहां पर और क्या क्या चीजें प्लस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 liter ऑफ अ सोल्यूशन 6 molar है, is to be prepared by mixing 12 molar HCl solution and 3 molar HCl solution, assuming there is no variation in volume upon mixing, or usne uske baad kya pucha hai, calculate volumes of solution 1 and solution 2, jo ye do solution hai apne paas mein, kya kar rahe hain hum log, do solution hai is type se, ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है, इसके अंदर क्या है अपने पास में, HCl कितना है, पहले वाले का 12 मोलर HCl है, ठीक है, और दूसरा वाला कितना है, 3 molar HCl है, ठीक।
इन दोनों को जब मिक्स कर दिया तो एक और सोल्यूशन बना जिसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, 6 मोलर आ गई। तो 6 मोलर HCl है और इसका उसने वॉल्यूम दिया हुआ है कितना बन गया, ये 1 लीटर बन गया। तो उसने दोनों सॉल्यूशंस के, जिन दो सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं उन दोनों सॉल्यूशंस के अपने से क्या पूछे, वॉल्यूम्स पूछे। तो ये वॉल्यूम्स कैसे निकाले, उसके लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कितना, V1ml, इसका वॉल्यूम तो V1ml, और इसका वॉल्यूम मान लेता हूं मैं कितना, V2ml। तो एक रिलेशन तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन तो आ जाएगा V1 plus V2 equal to कितना, ml में है तो कितना ml, 1000। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, अब दो अननोन है तो रिलेशन भी कितने बनने चाहिए, दो बनने चाहिए। एक बन गया, दूसरा कहां से बनेगा, दूसरा बनेगा इस कंसंट्रेशन से। उसने फाइनल कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है और मिक्सिंग करने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। पहली बात तो HCl के अंदर HCl मिक्स किया, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, और जब रिएक्शन नहीं होने वाली है तो क्या करें हम लोग, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ HCl का फंडा लगा लेते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ HCl कैसे निकालना चाहिए, मैंने आपको तरीका बताया था, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन पता होगा निकाल लोगे कि जिसकी मोलैरिटी उसी के मोल्स। तो अगर HCl की मोलैरिटी है तो मोल्स भी किसके, HCl के, और फाइनल मोलैरिटी है तो अपॉन में वॉल्यूम भी कौन सा आना चाहिए, फाइनल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे लगाएं, HCl की फाइनल मोलैरिटी कितनी आ रही है अपने पास में, 6 आ रही है, इट शुड बी इक्वल टू। HCl के मोल्स कहां से मिलेंगे, पहले से भी मिलेंगे, दूसरे से भी मिलेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन से कितने मिलेंगे, 12 × V1, तो ये हो जाएगा 12V1, प्लस सेकंड से मिलेंगे कितने, 3V2, और अपॉन में वॉल्यूम कितना, V1 plus V2। ओके, तो यहां से V1 V2 में एक और रिलेशन आता दिख रहा है अपने को, V1 plus V2 को आप चाहो तो 1000 भी पुट कर सकते हो, तो ये 6000 अगर हो गया तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगी, 12V1 plus 3V2, और ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 6000, दिख रही है क्लियरली, और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। और अब अपने को करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ही तो सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या करें, जैसे पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, 12 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये 12V1 plus 12V2 equals to कितना, 12000 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। और अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा, 9V2 माइनस का, और ये कितना बचेगा, माइनस का 6000। ठीक है, तो V2 का माइनस माइनस तो प्लस, V2 का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 3 से कैंसिल आउट करो, 2000 अपॉन कितना, 3, 2000 अपॉन 3ml आ जाएगा, और ये अगर 2000 अपॉन 3ml है तो दूसरा वाला भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज V1 प्लस V2 किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है, तो इसको इधर पुट करोगे तो V1 की वैल्यू भी अपने को इजिली मिल जाएगी। ओके, इस टाइप से मिक्सिंग में रिवर्स टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने दोनों के वॉल्यूम्स अपने से पूछे थे, तो अपने को मानकर करना पड़ेगा, बिना माने करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक और तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक और तरीका है अपने पास में कि हम लोग टोटल वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है तो एक को मान लेते हैं, या 1000ml है तो एक को XML और दूसरे को 1000 - X कर लेंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी फिर एक ही ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा और अपना आंसर इजिली आ जाएगा। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही अपना। ठीक है ना, आज बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी और इवन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर का होमवर्क भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम अभी खुद से नहीं बनाई है तो जल्दी से जल्दी इन प्रॉब्लम्स को खुद से भी बनाना, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी स्टूडियोज इसके वेलोसिटी पर, और साथ ही साथ वापस से मैं आपको याद दिलाता हूँ अबाउट प्लस कोर्स, तो जल्दी से जल्दी आप इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो कोड लगाना ना भूलें। कौन सा कोड है, BJLive, कौन सा कोड है, BJLive, जिसको लगाने पर आपको मिलेगा इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।